हेलो गायज वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज एनजी कारो क्लासेस। टुडे आई एम डिस्कस ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक है मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम होता है क्या, उसके बाद उसको प्रूव करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम को। ठीक है, चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उस पर टू साइड से है जो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो डी ई क्या है मिड पॉइंट, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और इसका पैरेलल क्या है थर्ड साइड, बी सी पैरेलल है, ठीक है, एंड इक्वल भी है, डी ई इक्वल किसका है बी सी का इक्वल है, टू हाफ ऑफ इट उसका क्या है हाफ है, ठीक है, डी ई का हाफ क्या है बी सी। चलिए अब हमको इसको आप लोगों को पता हो गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम किसे कहते हैं। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, चलिए गिवन दिया हुआ, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली और डी ई इज जॉइंट। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और डी एंड ई क्या है मिड पॉइंट, ए सी ए बी का मिड पॉइंट क्या है डी और ए सी का मिड पॉइंट क्या है ई, ठीक है, चलिए और डी ई इज जॉइंट, डी ई क्या हो रहा है डी ई जॉइंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको प्रूव करना है। टू प्रूव DE पैरेलल BC, DE पैरेलल किसका है BC और DE इक्वल टू हाफ BC और DE किसका हाफ है BC का, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा आगे बढ़ने से पहले एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है, प्रूव करने के लिए। ड्रो CF पैरेलल, CF पैरेलल किसका है BA का पैरेलल और DE इज एक लाइन सेगमेंट था, उससे क्या प्रोड्यूस्ड हुआ इन F, ठीक है, एक एफ लाइन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, देखिए बी ए, बी ए पैरेलल किसका है सी एफ, तो ए पैरेलल है तो एक ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है क्या डी ई एक ट्रायंगल बन रहा है और सी ई एफ एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है, एक ट्रायंगल है। चलिए अब इसमें देखते हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल डी ई ए, डी ई ए इक्वल टू डी सी ई एफ, ठीक है, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए ई और सी ई का मिड पॉइंट क्या है ई, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू किसका सी ई का मिड पॉइंट क्या है ई, तो क्या लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब एक चीज हो गया, अब ए देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद देखते हैं क्या है एक, देखिए एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ए और सी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, देखिए दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट किया तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इक्वल टू ये क्या होगा एफ सी ए, एंगल एफ सी ई, ठीक है, ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। चलिए अब देखते हैं ए क्या हो गया एंगल, तो ए क्या हो गया साइड, तो एस, और ये एंगल तो ये क्या हो गया ए, ठीक है, तो अब ये कौन सा क्रिटेरिया हो गया, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ई ए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये आप लोगों को पता होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है, किसके कौन सा क्रिटेरियस हुआ, तो एस सॉरी ए एस ए क्रिटेरिया, ठीक है, क्रिटेरिया से, ठीक है, क्रिटेरिया
ठीक है, ए एस ए क्रिटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। चलिए अब देखते हैं, अब सी पी सी टी से कौन कौन सा होता है, ठीक है, एंड सो सी पी सी टी से डी ई है जो किसका है, ए साइड इक्वल टू ए साइड, तो ई एफ, ठीक है। और देखिए ए डी किसका इक्वल है, सी एफ का, ठीक है, साइड अपोजिट साइड, ठीक है, सी एफ का, तो इसको लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी, ठीक है, बाय किसके थ्रू, बाय सी पी सी टी के थ्रू। चलिए बट अब देखते हैं, बट ए डी और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी, तो देखिए ए डी इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट क्या है, डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे इसके बाद बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखते हैं, ठीक है, एंड अब क्या देखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू चलिए देखते हैं, ए पैरेलल इक्वल टू ए पैरेलल, ठीक है, बी डी पैरेलल है, बी डी पैरेलल किसका है, सी एफ का, ठीक है, बी डी पैरेलल किसका है, सी एफ का, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू हो गया। चलिए अब देखते हैं, बी डी पैरेलल हो सी एफ का, बी डी पैरेलल है सी एफ का, एंड और साइड भी अपोजिट साइड भी इक्वल है, जब पैरेलल है तो इक्वल भी होगा, तो बी डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है, ये तो इतना आप लोगों को समझ आ गया, इतना इक्वल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ए जब देखिए जब ए पैरेलल हो गया और अपोजिट साइड इक्वल, तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, देखिए एक पैरेललोग्राम बन रहा है, एक क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ए, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है पैरेललोग्राम का, दो पाई और जी एम, ठीक है। अब इतना प्रूफ होने के बाद हम लोग जल्दी देखते हैं क्या उसके बाद क्या करना है, बी डी, बी डी पैरेलल है, सॉरी बी बी, अरे यार हाँ चलिए देखते हैं, डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है किसका, बी सी का पैरेलल है, ठीक है, डी एफ पैरेलल, डी एफ भी पैरेलल है किसका, बी सी का पैरेलल है, एंड साइड भी इक्वल है इसका, तो डी एफ इक्वल टू बी सी, ठीक है, इसका साइड भी इक्वल है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि डी ई, डी ई पैरेलल है किसका, डी ई किसका पैरेलल है, बी सी का, ठीक है, एंड डी ई हाफ किसका है, देखिए डी ई हाफ है किसका, हाफ है डी एफ का, हाफ क्या है, डी ई, तो हाफ लिखेंगे, हाफ किसका, डी एफ का, डी एफ का हाफ है, ठीक है। चलिए एंड और किसका हाफ है, डी ई किसका हाफ है, बी सी का, तो किसका हाफ है, बी सी का, ठीक है। तो आपको जो प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई हाफ किसका, बी सी का, तो हम लोग को इसको प्रूफ नहीं करना है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस डी ई पैरेलल किसका है, बी सी का, एंड डी ई इक्वल टू हाफ बी सी, तो ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ। चलिए ठीक है, मैं मिड पॉइंट थ्योरम को मैं प्रूफ कर दिया हूँ,
चलिए आप लोग देख लीजिए और इसको राइट डाउन पोस्ट करके वीडियो को आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, थैंक यू।